दिस इज आद्या, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो मेरी वीडियो है वो 8th क्लास के मैथ्स पर बेस्ड है। मेरी कुछ वीडियोस का काफ़ी अपलोडेड हो चुकी थी 8th क्लास के मैथ्स की, जिसमें हम चैप्टर 1 की वीडियोस भी डाल चुके थे और चैप्टर 2 की भी 2.2 एक्सरसाइज तक हमने डाल दिया था। किसी कारणवश वो वीडियोस रुक गई थी, तो आज की इस वीडियो से हम उसको फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्टिंग होने जा रही है। तो जो भी 8th क्लास के बच्चे जो इंटरेस्टेड है मैथ सीखने में और मेरी वीडियोस के साथ जुड़ने में, वो बेझिझक जुड़ सकते हैं और इन वीडियोस से अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरा मैसेज उन सभी 8th क्लास के बच्चों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं, जुड़े और इन वीडियो से अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। आप जब अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे 8th क्लास की, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। तो हम उसी एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और बाकी जो बच जाएंगे क्वेश्चंस वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको उनमें डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपने मैसेज को ड्रॉप कीजिए अपने डाउट्स को, और जैसे ही मुझ तक आपके डाउट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके इन डाउट्स को आने वाली वीडियोस में अपलोडेड कर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 3x = 2x + 18, राइट? आप चेक भी कर सकते हैं, आपकी बुक के एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पर उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट्स को हमने लिया है, जिसका पहला पार्ट ये है, आपने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद अपने आंसर की चेकिंग भी करनी है। तो मैं दोनों काम आपको सिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए। हमारा पहला एम ये होना चाहिए कि हमें जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें। वेरिएबल हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी डी होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हमने एक तरफ यानी कि एल एच एस लेकर जाना है। ये 3x पहले से ही एल एच एस में है, तो ये एज इट इज कॉपी हो गया, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि अभी भी अपने घर में था और अभी भी अपने घर में है। अब आप देखिए 2x राइट हैंड साइड पे है, दूसरी जगह पर है, और इसको इधर आना है। जब ये दूसरे तरफ जाएगा, दूसरे के घर में जाएगा, तो अपना साइन बदल कर जाएगा। इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, और प्लस जब इधर आता है तो माइनस हो जाता है, राइट? अब हमने इक्वल लगा दिया, और 18 में तो एक्स था नहीं, तो वो आरएचएस में एज इट इज कॉपी हो जाएगा। जो अपनी साइड में होगा उसमें नो चेंज, जो दूसरी साइड चेंज आएगा वो साइन बदल कर जाएगा, जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, सॉरी ऑपरेशंस का ट्रांसपोज, मतलब कि जो प्लस का है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, ठीक है? अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म से लाइक टर्म प्लस और माइनस हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो 3x में से 2x आएंगे तो 1x आएगा, और 1 हम लिखते नहीं तो बच गया x, तो x की वैल्यू आ गई 18। हमें पता कैसे चला कि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है? ये भी तो एक मजेदार क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चला हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो पता कैसे चला वो भी मैं आज आपको बताती हूँ, कि जब LHS में हमारा वेरिएबल अकेला रह जाता है, अकेला यानी कि बिल्कुल सिंगल, अकेला वेरिएबल x है और इक्वल में कुछ वैल्यू आ जाती है, तो तब हम कहते हैं कि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हमने इस स्टेप में क्यों नहीं कहा हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, यहाँ पे भी x अकेला ही नहीं है, उसके तो अभी सॉल्व करने वाला पोर्शन था, लाइक टर्म से एड और सब्ट्रैक्ट हो सकते थे और x के साथ कुछ ना कुछ नंबर भी था, तो इसलिए इसको इक्वेशन सॉल्व नहीं माना जाएगा। इक्वेशन तब सॉल्व होगी जब वो अकेला रह जाएगा।
तो ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था चेकिंग करनी है, चेक योर आंसर। तो अब मैं आपको सिखा रही हूँ चेकिंग कैसे की जाती है, ठीक है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन पार्ट हो गया है। चेकिंग जब भी हमें करनी होगी इक्वेशन की, तो आपने दो कॉलम बनाने हैं, एक तरफ आपने LHS लिखना है, एक तरफ आपने RHS लिखना है। स्टेप्स आप भूलेंगे नहीं। आपकी जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई थी, उसका इक्वल का इधर वाला हिस्सा LHS होता है, यानी कि दिस इज द LHS एंड दिस इज RHS। तो इनको आपने कॉपी कर देना है। RHS की जगह आप RHS डाल दीजिए, LHS की जगह आप LHS डाल दीजिए। इतना कर दिया। इतना कर लेने के बाद अब आपके पास जो x की वैल्यू आई थी चेकिंग, तो एक्चुअली में इसी की करनी है आंसर की। ये जो वैल्यू आई थी वो आप यहाँ पुट करेंगे, 3x means 3 into x, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। 3 into x की जगह आपने डाल दिया 18, ओके। आप यहाँ पे आ जाइए 2x, 2 into 18, x का रिप्लेसमेंट 18 से होगा, प्लस 18 पीछे वाला ऐसे ही कॉपी हो गया। 18 3 54 होता है, 18 2 36 होता है। बोर्ड मास रूल पहले ये कहता है कि मल्टीप्लाई करिए देन ऐड करिए। 36 प्लस 18 54, देखिए आपका LHS और RHS बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब आपकी चेकिंग हो गई। आपका जो आंसर आया था बिल्कुल ठीक आया था, हेंस वेरीफाइड, यानी कि चेकिंग करने का यही एक तरीका है कि आप LHS को RHS के इक्वल लाएंगे। मान लीजिए अगर आपके LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे, तो आपको वापस से सारी चेकिंग करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, कि कहीं आपकी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही होगी, या तो आंसर निकालने में या फिर LHS और RHS को सॉल्व करते हुए। तो दो ही जगह गलती होने के चांस रहेंगे। एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी से रिलेटेड, और वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे और आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि एक हमने सिंपल क्वेश्चन ले लिया है और एक हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं। तो इसका एक पार्ट ये भी आपको एनसीईआरटी में जरूर मिलेगा। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5, ठीक है। आपको पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको m वाले टर्म्स LHS लेके जाने हैं। देखिए 3m अपने ही LHS में है, तो देयर इज नो चेंज, एज इट इज कॉपी हो गया। 5m इक्वल के उधर है, तो आपको ये प्लस का है इधर लाना पड़ेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। और जो अपनी साइड में था माइनस 8 अपॉन 5, यानी कि वो m वाला टर्म नहीं था, वो एज इट इज कॉपी हो गया, राइट। ये स्टेप आपको समझ में आ गया। ये स्टेप समझ में आ जाने के बाद लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे। 5 में से 3 गया 2m, साइन ग्रेटर नंबर का आता है, वो हमने लगा दिया है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेशन सॉल्व तब मानी जाएगी जब हमारा वेरिएबल अकेला सेपरेट एक तरफ रह जाएगा। अभी देखिए हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि m के साथ -2 दिखाई दे रहा है, तो हमें -2 को भी हटाना है। कैसे हटाना है? जो -2 है वो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई वहां जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपॉन की फॉर्म है, तो -2 ऊपर है वहां जाके नीचे हो जाएगा, तो ये डिवाइड ही हो रहा है एक्चुअली में इस फ्रैक्शन से। सॉरी अब आप देखिए, अब हमारा m अकेला रह गया और इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है। 2 1 2 2 4 8, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो ऊपर और नीचे अगर माइनस हो तो कैंसिल हो जाते हैं, और 5 4 5 हमारा आंसर आ गया, यानी कि m अकेला हो गया, तो इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम सीखेंगे इसकी चेकिंग। इसकी चेकिंग कैसे करें कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि चेकिंग करते वक्त आपने दो कॉलम बनाने हैं, एक में LHS लिखना है हेडिंग और एक में RHS हेडिंग लिखनी है। स्टेप्स भूलने नहीं है। हमें जो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दी थी
उसका LHS यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यानी कि फ्री है, और ये जो RHS था जो इस तरफ था वो RHS है, उसको भी एज इट इज कॉपी कर लेना है क्वेश्चन से। इतना कर लेने के बाद आपने M की जो वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर देना है। मैंने पहले भी बताया एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, तो मल्टीप्लाई लगा दिया और M को रिप्लेस कर दिया 4/5 से, क्योंकि हमारी M की वैल्यू 4/5 आई है। सेम यहाँ पे भी ऐसी करना है, M को रिप्लेस कर देना है 4/5 से और बाकी को कॉपी कर दिया। 3 4 12 12/5 ये तो हमारा फाइनल आ गया इस साइड का, क्योंकि अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा और कैंसिलेशन हो नहीं रही। अब इधर आ जाते हैं, इधर आने के बाद 5 4 20 मैं अभी ये कैंसिल नहीं कर रही क्योंकि एलसीएम लेंगे तो स्टेप बड़े हो जाएंगे। 5 4 20 / 5 - 8/5 हालांकि ये कैंसिल होता नजर आ रहा है पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि उससे स्टेप्स बढ़ जाएंगे और हमें स्टेप्स बढ़ाने नहीं है कम करने हैं। सेम डिनोमिनेटर है, एक ही बार कॉपी करिए, 20 - 8 कर दीजिए। तो 20 - 8 करेंगे तो आएगा हमारा 12/5। अब आप जरा ध्यान से देखिए आपकी LHS और RHS बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, साइन भी एक जैसा, फ्रैक्शन भी एक जैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका निकाला गया आंसर यानी कि N की जो वैल्यू आई है 4/5 वो बिल्कुल एक्यूरेट आई है क्योंकि LHS और RHS बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, तो इसी से जुड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज 2.3 में मिल जाएंगे NCERT में। और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो एग्जाम्पल से ले सकते हैं या फिर एग्जाम्पलर का इस्तेमाल करते हुए भी आप वहां से क्वेश्चन ले सकते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपके जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय दोस्तों।